आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ये कि बुखारेस्ट में लैंड हुई एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट, फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू। यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा धमाका, कई इमारतों को नुकसान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से बोले, मुझे हथियार चाहिए। पीएम मोदी बोले, कोरोना टीकाकरण में पूरी दुनिया ने माना कोविन प्लेटफॉर्म का लोगो। गोरखपुर में धुरंधरों की टक्कर, सीएम योगी अखिलेश यादव मायावती जमाएंगे चुनावी रंग। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छठवें चरण के चुनाव से पहले 27 और 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती, देवरिया और महाराजगंज में जनसभाएं करेंगे और पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक अमला तैयारी में जुट गया है। बता दें कि कमिश्नर ने डीएम एसएसपी के साथ कार्यक्रम स्थल की तैयारी का निरीक्षण किया और इसी के चलते हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव में काफ़ी सरगर्मी पैदा हो गई है और आपको बता दें कि देवरिया जनपद में माननीय प्रधानमंत्री का 27 तारीख को आगमन होना है। उसी आगमन पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ हेलीपैड की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ आप देख सकते हैं सामने, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरा घुमाएं, और यहाँ मंच की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ मंच के व्यवस्थापक से हम जानेंगे कि कैसी व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन की कैसी पुख्ता इंतजाम है, इसी बारे में मैं जानकारी लेना चाहूँगा। सर, कैसी क्या व्यवस्था यहाँ पे? मैं सुनील गुप्ता, जिला प्रभारी देवरिया, क्षेत्रीय महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र बीजेपी। पूरी व्यवस्था में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, माननीय पीएम साहब के कार्यक्रम को लेकर चार हेलीपैड भी यहाँ बन रहे हैं, सीएम साहब का भी आना होगा। पूरी तैयारी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ जो हम लोग करा रहे हैं और निश्चित रूप से जो है 2 लाख का हम लोगों ने टारगेट रखा है। माननीय पीएम साहब के इस जनसभा में 2 लाख लोगों की भीड़ होने वाली है और निश्चित रूप से पिछले 2017 के चुनाव में भाटपा रानी विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लूज किया था, वहाँ हमें पराजय मिली थी। सर, जैसे पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा में थोड़ी चूक हो गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसको लेकर के हम लोग काफ़ी जो है सतर्क हैं। यहाँ उनकी सुरक्षा को लेकर के अभी कल विकास भवन में बैठक हुई थी, डीआईजी साहब थे, डीएम साहब थे, सारे अधिकारियों के साथ हम लोग की बैठक थी। सुरक्षा को लेकर के विशेष चर्चा हुई है, उसको लेकर के हम लोग भी काफ़ी मतलब सतर्क हैं, कोई चूक नहीं होने पाई। सर, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता, जिला प्रभारी देवरिया। जैसा कि हम सुनील गुप्ता से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि व्यवस्था के प्रति प्रशासन और एसपीजी के जवान यहां लगाए जा चुके हैं और किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसके लिए जोरों से तैयारियां हो रही हैं। और आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस आगमन से महत्वपूर्ण हो जाएंगी और चुनाव को लेकर 3 तारीख को वोट के लिए अपील करेंगे। मैं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत, देवरिया। केंद्रीय सूचना और प्रसार मंत्री और भाजपा के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल पर शुक्रवार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव को भगवान का अपमान करने के लिए संत समाज और यूपी की जनता से माफी मांगना चाहिए। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार के लिए उतरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने शुक्रवार को सीधे सीएम योगी पर हमला करते हुए उनके कपड़ों के रंग की तुलना लोहे पर लगी जंग से कर दी थी। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए आपको सुनाते हैं। भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 5 साल तक
सपा का फैलाया गुंडा राज माफिया राज खत्म करने का उन्होंने काम किया, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान और अधिकार देने का काम किया, मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगे वालों को माफ नहीं साफ करने का काम किया है। और विश्वास दिलाना चाहता हूं अगले 5 वर्षों में सफाई अभियान चलता रहेगा, चाहे नाहिद हसन हो, यूनिस खान हो, आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, अतीक अहमद या अतीक मुख्तार अंसारी हो, इन सबका हर्ष आपने देखा है। ममता बनर्जी जी से ज्यादा कम नहीं था। ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं और अखिलेश यादव जी लेने उनको सबसे पहले बुके लेके चले गए। मेरा सवाल अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश को गुंडा कहने वाली को वो रिसीव करने जाते हैं, दाऊ जैसे आतंकियों से जमीन खरीदने वाले के पक्ष में बयान अखिलेश जी देते हैं, लेकिन बम धमाके वालों के खिलाफ न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते, रंगेश अखिलेश खेल पर कोई टिप्पणी अखिलेश जी नहीं करते, दलित की बेटी की जान जाने पर टिप्पणी अखिलेश जी नहीं करते, जेल वाले और बेल वाले पर टिप्पणी नहीं करते, तो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है आपका वही हवा है वही सपा है, जनता जिनसे खफा है। मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या देश की जनता नहीं भूली है, अयोध्या क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों को भूना कर दो उनका ईवीएम सुना। खबर चंदौली से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौरे में है। पूर्वांचल का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सभी पार्टियों के नेता पूर्वांचल के विभिन्न इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है, उनकी सरकार में गुंडों का राज था जबकि योगी सरकार में गुंडे जेल में हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग सुरक्षा और विकास का मुद्दा पकड़कर रिपोर्ट कार्ड दे करके जा रहा है, हम क्या करके दिखाया वो दिखाई दे रहा है, इसके लिए पक्का वोट देंगे। हमारा विरोधी लोग भी मानता है सुरक्षा तक के बारे में 100% मार्क्स योगी जी की देंगे। 231 में 200 पार करेंगे पक्का है, ये 4 चरण में, अभी बाकी 3 चरण में है, 3 चरण में और 150 को ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। मोदी जी योगी जी के लेयर में सापा साफ जीतेंगे बीजेपी। बिजनौर में भारी बारिश के वजह से कांवड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बारिश कांवड़ियों की परीक्षा ले रही है, लेकिन हजारों शिव भक्त बारिश में भीग कर अपने गंतव्यों की यात्रा तय कर रहे हैं। वहीं नजीबाबाद के मोटा महादेव मंदिर पर कांवड़ियों की भारी भीड़ लगी हुई है। सड़कों पर भरे पानी से भी शिव भक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। खबर उन्नाव से है, जहां पर चिकित्सक जगन्नाथ वर्मा का बेटा यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। परिजनों के मुताबिक वहां के एयरपोर्ट पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया, जिसके चलते बेटा वतन वापसी के लिए परेशान है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन में पढ़ाई करने गया बेटा भी फंस गया। यूक्रेन में फंसे युवक के पिता जगन्नाथ ने बताया है कि बेटे के वापस भारत आने के लिए सांसद साक्षी महाराज से कहा गया है, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से भी बेटे को वतन वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। गाजियाबाद के सबसे व्यस्त रहने वाले तुराब नगर बाजार में स्थित गिफ्ट गैलरी में आग लग गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गिफ्ट गैलरी में रखा हुआ लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि आग दूसरी दुकानों में नहीं फैली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। खबर फतेहपुर से है, जहां पर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग के बीच यूपी के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिजनों ने भारत सरकार से उन्हें सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई है। वहीं फतेहपुर जिले में रहने वाले 4 छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन दो देशों के बीच छिड़े युद्ध के कारण सभी छात्र अपनी अपनी जिंदगी अब बंद कमरे में जीने को मजबूर है। एक बड़ा वाला बेटा जो है मेरा 2018 में गया है जी, और जो छोटा बेटा है भी 3 महीने पहले गया है जी। दोनों MBBS की पढ़ाई यूक्रेन से कर रहे हैं
और दोनों यहाँ के टॉपर्स स्टूडेंट थे फतेहपुर के, और कंडीशन मेरी बराबर रेगुलर बात हो रही है बच्चों से, बच्चे तो हताश तो ही हैं क्योंकि स्थितियाँ वहाँ की बहुत ही नाजुक हैं, फिर भी हम बच्चों को यही बोलते हैं ऊपर वाले को पर भरोसा रखो। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अपने देश के सारे बच्चों को सकुशल लाने में हमारी मदद करें, हम आप उनके आभारी रहेंगे। विगत 5 वर्षों से बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 5वां वर्ष है, और मेरा बेटा जो है अभी सुबह 7:15 पे बात हुई है और इसके बाद फिर दोबारा बात नहीं हो पा रही है। मैंने कई बार ट्रायल किया और दोबारा बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि पूर्व में मुझे बच्चे ने बताया कि पापा अब हो सकता है यहाँ बिजली या पानी की काट किया जा रहा है, बात नहीं हो सकती, टावर भी नहीं हो सकता, इसलिए मुझे हम लोग क्योंकि गोलाबारी भी वहाँ सुनाई पड़ रही है अगल बगल जहाँ पे बम गिरे हैं, तो इससे हम बहुत भयभीत हैं। हाँ, हमारी उनसे बात हो रही है, हमारे 2 बच्चे हैं, हर्ष मिश्रा और उदय मिश्रा है। उसका पहले बच्चे का 3rd ईयर है, पहले दूसरे बच्चे का 1st सेमेस्टर है। हाँ, बात हो रही है, हम लोग परेशान तो आई हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। क्या बच्चे क्या बताते हैं जब बात होती है, बच्चे क्या बताते हैं? बात होती है कि भाई ठीक है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं दी गई कि नहीं आप अपने बच्चों को बुला लीजिए, वहाँ के एडवाइजरी कुछ जारी नहीं की है, अभी 4 दिन पहले एडवाइजरी जारी की गई है, तो हम उसमें अब क्या कर सकते हैं, फ्लाइट भी कैंसिल हो रही है। बच्चे क्या बोल रहे हैं जब बात होती है तो? बच्चे बोलते हैं ठीक है, अब डर का माहौल तो है ही है। आश्वासन दे रहे हैं आप लोग? हाँ, आश्वासन तो दे ही रहे हैं, अभी कर ही क्या सकते हैं, यही कर सकते हैं। खबर बदायूं से है, जहां पर थाना सहसवान क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर में एक युवक के शव मिलने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना के संबंध में जानकारी ली। युवक की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला सहसवान कोतवाली के दौलतपुर का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। वहीं गांव के पास रोड पर इनकी मोटरसाइकिल और इनका शव पाया गया। पुलिस को जब सूचना हुई तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, आसपास के लोग से पूछताछ की गई तो वहां पे कुछ चश्मदीद लोगों ने ये बताया कि मृतक भवदान की अपने ही भाई महेश के साथ हाथापाई और झगड़ा होते हुए लोगों ने उस समय देखा था, उसके बाद उनका वहाँ शव पाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है और अभी इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शीघ्र ही परिजनों से बात करके इसमें तहरीर लेकर के और हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी। संबल में भट्टा मालिक और उसकी मुमनी पर फायरिंग की गई, उसने जबरन रंगदारी मांगने की वारदात सामने आई है। इस दौरान कार सवार दबंगों ने भट्टा मालिक को बंधक बना लिया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद 3 आरोपियों को तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने अपने भट्टे पर काम करने के लिए कुछ मजदूर ठेकेदार द्वारा मंगवाए थे, उनका पेमेंट भी कर दिया था जो कि उनके खाने पीने के लिए था। उसके पश्चात कुछ ही देर बाद उन मजदूरों ने भट्टे पर हंगामा करना शुरू कर दिया तथा भट्टा मालिक को यह धमकी देनी शुरू करी कि हम तुम्हारे विरुद्ध गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करवाएंगे। इसके पश्चात एक जायलो गाड़ी वहां पर आई, उसने भट्टा मालिकों के वहां पर फायर किए गए तमंचों से। भट्टा मालिक के मुंशी को गिरफ्त में लिया गया तथा भट्टा मालिक से उगाही की मांग करी। कार्रवाई के दौरान 25 फरवरी 2022 को 3 अभियुक्त रंजीत, सत्येंद्र और शीशपाल पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये तीनों बदायूं के निवासी हैं, बाकी 8 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराकर पुलिस इस मुकदमे में सही कार्रवाई करेगी। खबर श्रावस्ती से है, जहां शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है, वहीं बूथों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ मतदान की गतिविधियों पर भी ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। वहीं इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा रहेगा। इस दौरान हमारे संवाददाता ने जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की, तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जनपद श्रावस्ती के समस्त सम्मानित मतदाता, आप अवगत है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए जनपद श्रावस्ती में दिनांक 27 फरवरी 2022 को मतदान होना है। मैं नेहा प्रकाश,
जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में आप सभी से ये अपील करती हूँ कि अपने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें तथा एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मताधिकार करना आपका सर्वोच्च अधिकार है और इसका प्रयोग करना आपका परम कर्तव्य है। सभी 493 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर BSF लगाई गई है। सीमावर्ती जनपदों के प्रमुख मार्गों पर 20 व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर 7 बैरियर लगाए गए हैं। 32 QRT व 49 क्लस्टर मोबाइल लगाई गई हैं जो क्रिटिकल व वल्नरेबल क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहेंगी। एरिया डोमिनेशन अर्धसैनिक बलों व PSA द्वारा किया जा रहा है। 15,000 से अधिक लोगों को पाबंद कराया जा चुका है। 100 से अधिक अपराधियों व हिस्ट्री सीटर्स के विरुद्ध 110 की कार्रवाई की जा चुकी है। 34 अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। 10 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। करीब 5,000 रेड कार्ड जारी किए गए हैं। संचार व्यवस्था के लिए 4 सब कंट्रोल स्थापित किए गए हैं। शैडो एरिया में बैकपैक सेट लगाए गए हैं। कुल मिलाकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद में भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण मतदान कराया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।